आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इनमें से कौन सी मेटल है जो रिएक्ट नहीं करेगी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मतलब रिएक्ट कौन करेगी, जो हमारी ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है, वो हमारी कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके क्या करेगी, कॉपर को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होगी, हाई रिएक्टिव मेटल जो होगी ये क्या करेगी, रिएक्ट करेगी किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, है ना। हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी और क्या करेगी, सीयू यानी कि कॉपर को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, एंड रिप्लेसेस सीयू। ठीक है, सीयू को क्या रिप्लेस कर देगी। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो रिएक्टिविटी कैसे किस तरह से होती है। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा हुआ जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद हुआ हमारा Fe, उसके बाद Sn, टिन, Pb, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, फिर कॉपर, फिर अर्जेंटम और फिर ऑरम, ठीक है, यानी कि सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, अब देखो, अब रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारा यहाँ पर पोटेशियम, देन सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से हो रहा है हमारा रिएक्टिविटी ऐसे है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऐसे, तो जो हमारे कॉपर के ऊपर आ रहा है, कॉपर के पहले जितने भी आ रहे हैं ये हमारे सारा ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कॉपर के नीचे वाले हम कम रिएक्टिव होंगे। तो देखो कॉपर के ऊपर क्या क्या रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीज की, ठीक, मैग्नीशियम की, ठीक है, तो Mg जो होगा हमारा, वो देखो वो हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि ये कॉपर से हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिप्लेस करेगा इसका मतलब है कि ये रिएक्ट कर जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है Fe यानी कि आयरन, आयरन जो है वो भी हमारा देखो कॉपर के पहले ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा ये भी हमारा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जिंक जो है, जिंक भी हमारा पहले आ रहा है, तो यानी कि ये भी रिएक्ट कर जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो Ag जो है यानी कि सिल्वर जो है, अर्जेंटम, ये हमारा क्या होता है, ये कॉपर के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो ये जो होगा ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हमें यही पूछा था कि वो मेटल जो रिएक्ट नहीं करेगी तो वो क्या होगी, Ag होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं आपको रिएक्शंस बताऊं एक बार, तो देखो रिएक्शंस हम देख लेते हैं। देखो CuSO4 जो होगा हमारा, CuSO4 जो होगा उसकी हमारे Ag से तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बाकी के साथ देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं CuSO4 प्लस Mg, ये रिएक्ट करके हमें देगा Cu प्लस MgSO4। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 है, तो ये रिएक्ट करके FeSO4 प्लस Cu देगा। ठीक है, फिर Zn है, Zn प्लस CuSO4 है। ठीक है, तो ये देगा हमारा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इस तरह से होगी रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया था कि कौन सी रिएक्ट नहीं करेगी, मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि Ag। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।